प्यार, यूं तो सुनने में एक बहुत ही छोटा सा वर्ड, यू नो अक्सर हम इंसान इस प्यार के इमोशन को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कभी कभी इसे नाम देते हैं अट्रैक्शन का, इन्फैचुएशन का, या कभी कहते हैं कि यू नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ये वाला टैग लगाकर हमेशा अपने साथ घूमते रहते हैं। और एक और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम पूरी दुनिया में प्यार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आप प्यार को नहीं ढूंढ सकते, प्यार आपको ढूंढता है। जिस तरह से प्यार ने मयूर और भूमि को ढूंढ लिया, मयूर और भूमि दो बिल्कुल ही अलग अलग लोग जिनके बीच कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। एक इंस्पेक्टर और एक ऐसी लड़की जिसे इस इंस्पेक्टर ने एक रेड में पकड़ा था। तो अब इन दोनों के बीच में आप अगर इंसानियत या हमदर्दी की भी कोई उम्मीद रखें तो बहुत बड़ी बात है, पर इन दोनों के बीच प्यार वाला जो इमोशन है वो कैसा है, ये देखते हैं। हाँ, क्या हुआ सर? ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को शक हो गया है। पटेल दे चला। सर। हाँ दावड़े, कितने लोग हैं अंदर? 5 लड़कियां और उनके कस्टमर। ठीक है, सबको नीचे लाकर राउंड अप करो अभी। यस सर। कवर ऑल एक्सेट्स, आई रिपीट, कवर ऑल एक्सेट्स। क्या हुआ सर? तावड़े, ये 4 लड़कियां, एक लड़की अभी भी होटल के अंदर है। चलो। कहीं नहीं जाऊंगी। सीमा जी, लेके चलो उसको। हे, चल। सिर्फ आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, जिसके कहने पे जाओगी उसे बुलाते हैं। तावड़े, सर, बुलाओ उसके मैनेजर को। वो बोलेगा तभी जाएगी लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये तो गंदा काम करती है ऊपर से। सीमा जी। दो दो पैसे में बिकती हो और इतना एटीट्यूड है। तुम्हें क्या लगता है मैं फॉर सेल हूँ? दुकान में रखा हुआ माल फॉर सेल ही होता। तो खरीद कर दिखाओ, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही हो। सीमा जी, लेके जाइए इसे। चल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रहा।
सीमा जी, मीडिया वाले आ रहे हैं, इससे को अपना फेस कवर करें। मैं अपना फेस कवर नहीं करूंगी। जो लोग इस तरह के काम करते हैं उन्हें अपना मुंह छुपाना ही पड़ता है। जो लोग ऐसा काम करते होंगे उन्हें छुपाना पड़ता होगा। तो ठीक है, बिना अपना मुंह छुपाए प्रेस के सामने जाने में भी तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। मिनट करोगे प्रेस को फेस, दिखाओगे अपना चेहरा पूरी दुनिया को। मैं प्रेस के सामने जाऊंगी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो अपना चेहरा क्यों छुपाऊं? क्या आपको भी उसी होटल से पकड़ा गया? जी मैम। ये कॉलगर्ल का धंधा आप कब से कर रही हैं? मैं उस होटल में थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉल गर्ल हूँ। कॉल गर्ल नहीं हो तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? तो अगर आप उस होटल में होती तो आप भी कॉल गर्ल होती। मैं इनोसेंट हूँ। सुनिए जी, वो अपनी शांता ताई है ना, अपनी भूमि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता बता रही है। हैमिल्टन होटल से प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट पकड़ा गया है। कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़कियाँ एज ए कॉल गर्ल काम कर रही है। ये है हमारे देश का दुर्भाग्य। इन लड़कियों ने ये काम करने से पहले एक भी बार अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। अरे आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप और आपका टीवी। मैं आपसे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में बात कर रही हूँ और आप है कि माँ पापा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपका सर झुके। और मैं जानती हूँ माँ, वो चाची का फोन आया था भूमि टीवी। चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ हमेशा देंगे। शिवम गाड़ी निकाल बेटा। क्यों पापा? दीदी को जरूर किसी ने फंसाया है, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। हमारी बेटी को हमारी जरूरत है, हमें जाना ही होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं ऐसा मत कहिए जी, हमारी बेटी को हमारी जरूरत। सुना नहीं तुमने? पापा मैं जानती हूँ आप जरूर आएंगे, मैं आपका वेट करूंगी। तुम्हारी जमानत क्यों नहीं है अभी तक? पापा ने आने से मना कर दिया। उन्हें कहा कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। और जिनके लिए तुम काम करते हो उनका? अगर उनके लिए काम करती तो बेल नहीं मिल जाती? अगर उनके लिए काम नहीं करती बताओ होटल कैसे पहुंची थी? अमित की वजह से। कौन अमित? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? एमबीए की कोचिंग क्लास में हम साथ पढ़ते थे। मेरा एडमिशन हो गया और उसका नहीं, पर मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार। फिर एक दिन वो मुझे एक पार्टी में ले गया। जहाँ उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिससे मुझे अनईजी फील होने लगा। और उसके बाद उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, ये जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, उसकी वीडियो बना ली और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा।
जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया और कोई नहीं समझ सकता जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें धोखा दे तो कैसा लगता है। इंस्पेक्टर साहब आप तो कुछ खबर करते ही नहीं पर उषा ताई को तो खबर हो ही जाती है। अब बाहर बैठिए जरा मैं लड़की का बयान ले रहा हूँ। बयान तो उनका लिया जाता है जो लॉकअप में बंद हो और इसकी तो जमानत हो चुकी है। मैं तो टीवी पर लड़की को देखते ही समझ गई थी मासूम है और मासूम लड़कियों की मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मुझे पहचानती हो ना बेटा? जी आपको टीवी पर देखा है ऑर्फनेज चलाती हैं। नहीं बेटा अनाथ आश्रम तो वो होता है जहां पे माँ बाप नहीं होते और हमारे यहाँ तो माँ है ना। इसे अनाथ आश्रम नहीं घर कहो। चलो अब घर चलने का टाइम हो गया है। थैंक यू सर। चलो नमस्ते। चलो बेटा। तुम्हें क्या लगता है मैं फॉर सेल हूं? मैं प्रेस के सामने जाऊंगी जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो अपना चेहरा क्यों छुपाऊं? जो लोग ऐसा काम करते होंगे उन्हें छुपाना पड़ता होगा। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। पापा ने आने से मना कर दिया। उन्हें कहा कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। मैं उस होटल में थी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉल गर्ल हूं। मैं इनोसेंट हूं। सीमा जी हो सकता है लड़की वाकई में इनोसेंट हो। सर आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि ये लड़की 100% इनोसेंट है? ये तो वही लड़की है ना जो टीवी पर आई थी? हाँ। आप कल भी इस फोटो को ऐसे ही देख रहे थे? एक बात बोलूं भैया? बोलो। आप ये केस ना किसी और को हैंडओवर कर दीजिए। आप कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं मालती। दिस इज अ पार्ट ऑफ माय जॉब। दिस इज माय ड्यूटी। आर यू श्योर भैया? क्योंकि हम जब किसी को लाइक करते हैं तो उसकी बुराई हमें नजर नहीं आती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। किसी को लाइक करना इज नॉट अ प्रॉब्लम बट ऐसी लड़की को कोई क्यों लाइक करेगा? अच्छाई ही क्या है इसमें? जरूर इसने भी कुछ किया होगा वरना कोई इसे क्यों फंसाएगा? इतने खतरनाक केस में फंसी है। मयूर तू इस लड़की से दूर रहना। अपना काम निकालने के लिए ये किसी के भी दिल के साथ खिलवाड़ कर सकती है। आप दोनों बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैं आप सिर्फ मालती की सगाई की फिक्र कीजिए। यू नो कहते हैं कि प्यार एक कनेक्शन होता है। एक ऐसा कनेक्शन कि किसी की कही हुई बात आपके दिल को कब छू जाती है आपको पता ही नहीं चलता। वेल वो कौन सी बात थी जो मयूर के दिल को भागी जो भूमि ने कही थी ये खुद मयूर नहीं जानता। लेकिन हाँ शायद इसी कनेक्शन की वजह से मयूर अपने दिल पर हाथ रखकर ये नहीं कह पाया कि भूमि सच बोल रही थी। लेकिन वो ये भी नहीं कह पाया कि भूमि झूठ बोल रही थी। जहां एक तरफ भूमि के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए वहीं दूसरी तरफ
मीडिया भूमि को इस दर्द भरे हादसे से बाहर निकलने का मौका भी नहीं दे रही। लेकिन भूमि कमजोर नहीं थी, उसने यह तय कर लिया कि वो बिना किसी सहारे अपनी जिंदगी के सही मायने ढूंढ निकाले। मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। कौन नहीं सुनना चाहता, प्रेस वाले तो रोज आते हैं, सबको एक सेंसेशनल स्टोरी चाहिए। मुझे कोई सेंसेशनल स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। मुझे सच सुनना तुम्हारे मुंह से। कैसे भरोसा कर लूं, एक बार भरोसा कर टूट चुकी हूं। दोबारा किया ना तो इस बार बिखर जाऊंगी। एक बार ही सही नहीं हुआ तो क्या हुआ? Everyone deserves a second chance. तुम भरोसे को दूसरा मौका दो, भरोसा तुम्हें दूसरा मौका देगा। आप जो कह रहे हैं आप उस पे खुद यकीन करती हैं? आपको लगता है लाइफ में सबको सेकंड चांसेस मिलते हैं? पहले नहीं लगता था, पर अब लगने लगा है। नमित ने मेरा MMS बना लिया और कहा कि अगर मैं नहीं चाहती कि वो उसे पब्लिक में रिलीज करे, मुझे एक पॉलिटिशियन के पास जाना होगा। मैं टूट गई थी, सोचा कि सुसाइड कर लूं, पर फिर मुझे लगा कि मैं अपनी जान क्यों लूं। मैं नमित को सजा दिलवा कर जाऊंगी। लेकिन तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? कैसे बताती, उसके पास मेरा MMS था, सोचा उसकी गेम उसी पर खेलूंगी और उस स्पाई कैम में उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली जिसमें उसने कन्फेस किया था कि वो मेरी जैसी बेवकूफ लड़कियों को ऐसे इस्तेमाल करता है। फिर क्या, आप लोग भाग गए और भगदड़ मच गई और वो स्पाई कैम वहीं पर गिर गया। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मुझ पे कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई भी नहीं। आप भी नहीं। पुलिस ने उस होटल को सील कर रखा, स्पाई कैम जरूर वहीं कहीं होगा। मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। वो स्पाई कैम मिल जाएगा? जरूर, भरोसा रखो मुझ पर। क्या ताई, कैसी हो? नमित, तुम्हारी वो लड़की आजकल इंस्पेक्टर मयूर की खास बनी हुई है और उसने तुम्हारा कोई वीडियो कैप्चर किया है जिसमें तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। What? देखो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से होटल पहुंच जाओ
अभी तक वो कैमरा पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वो पुलिस के हाथ लगने से पहले हथिया लो, वरना फंस जाओगे। अगर मैं फंसा ना तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, मुझे धमकी देने के बजाय वो कैमरा पहले ढूंढ लो। पूछा था ये इस केस में इन्वॉल्व थे। स्पाई कैम मिल गया? कैमरा तो मिल गया, लेकिन अंदर का फुटेज अभी तक नहीं निकला। बहुत बुरी तरह से कैमरा अंदर से डैमेज हो गया था। But don't worry, my technical team is working on it. We'll get it out very, very soon. आप नहीं जा रहे? वो एक्चुअली आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। I'm off duty. चॉकलेट। थैंक्स। यू वेलकम। मालती सही कहती थी, लव डिजर्व्स अ सेकंड चांस। मैं चलता हूँ। यू नो, कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज टूट कर फिर से जुड़ नहीं सकती, लेकिन यहां आशिकी में, यहां तो दिल का मामला है। और दिल जो है ना, दुनिया के रीति रिवाजों में मानता नहीं। और अक्सर जब दो टूटे हुए दिल मिलते हैं ना, तो अक्सर जुड़ जाते हैं। और ठीक वैसा ही मयूर और भूमि दोनों के साथ हो रहा था। दोनों के साथ अपने 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 गुजरे हुए कल के साए थे। दे हैड देयर ओन बैगेज, ओन पास्ट। बट फिर भी वो अपने बीते हुए कल को भूलकर अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, अ न्यू बिगिनिंग, एक खूबसूरत कल जिसका आना शायद मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं। और भाई वो दिल ही क्या जो ख्वाब ना देखे। मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में? अच्छा बताइए, आप मूवीज देखते हैं? नहीं। गाने सुनते हैं? नहीं। किताबें पढ़ना पसंद है? हाँ, लेकिन मैं सिर्फ लॉ पर ही किताबें पढ़ता हूँ। आजकल मैं बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ा लॉ के ऊपर, जिसमें सेक्शन 387 में बताया गया है कि मैं जानता हूं कि मुझे रोमांटिक बातें, इंटरेस्टिंग बातें करनी नहीं आती, लेकिन अगर आती होती ना तो मैं तुमसे ही करता। तुम्हारे केस के पेपर्स, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि तुम्हारा एक ऐसे हियरिंग में खत्म हो जाएगा। आप मेरे लिए सब क्यों कर रहे हैं? तुम नहीं जानती।
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस कैमरा में से अभी तक फुटेज क्यों नहीं निकली है। What's the point of having a technical team working on it 24/7? सर, टाइम तो लगेगा ही सर। और एक बात, आप उस उषाताई से संभाल के रहिए, वो जरूर कुछ ना कुछ चाल चलेगी और उस लड़की के साथ आपको भी फंसा देगी सर। से बात हुई। पापा अभी भी फोन पर नहीं आ रहे। शिवम से बात हुई है, कह रहा था आकर मिलेगा। भूमि, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले आने वाली बैंड ब्रेकअप, प्यार, रिलेशनशिप्स, इन पर से भरोसा उठ गया था मेरा। फिर पता नहीं अचानक से तुम आ गए जिंदगी में और भरोसा फिर से आ गया। तुम जानती हो आजकल जब टीवी पर रोमांटिक गाने आते हैं तो चैनल नहीं बदलता। रूम में मिरर होता तो कभी कभी खुद को देख लेता हूँ और यूं ही बेवजह कभी कभी मुस्कुराते रहता हूँ। Mommy, I love you. एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, आई हैव टू टेक दिस। ये तो वही लड़की है ना जिसका वीडियो इंटरनेट पे फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ दावड़े। सर, उस एमएमएस को किसी ने इंटरनेट पे डाल दिया। दावड़े, बाद में बात करता हूँ। ओके सर। क्या हुआ? भूमि, तुम्हारा एमएमएस इंटरनेट पे लीक हो गया। क्या? ऐसा है आपका लड़का? हमें पता नहीं था कि आपके घर वाले ऐसे लोगों के साथ में कांटेक्ट रखते हैं। मयूर, क्या हो रहा है? ये किस लड़की के साथ है तू? तुझे कुछ पता भी है इसके बारे में? मां, मैं जानता हूं इसको, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है तो क्या पुण्य किया है? जो लड़का ऐसी लड़की के साथ में बैठा हो, उसकी बहन के साथ में हम रिश्ता नहीं कर सकते। बस अंकल, बहुत हो गया आपका। क्या गलत कहा मैंने? बताओ, ये लड़की वो एमएमएस वाली है या नहीं? बताओ। हाँ है ये उस एमएमएस में। लेकिन बात बताइए, आपको कैसे पता? क्योंकि आपने वो एमएमएस देखा इसलिए।
जिस गंदगी पर आप इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो गंदगी आपके अंदर है। गुनेगार आप हैं ये नहीं। चुप रहो मयूर, तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। चलो जी। तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे जाना होगा। But you know I love you. आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। मुझ जैसी लड़की से हमदर्दी जताना आसान है, लेकिन प्यार करना बहुत मुश्किल। लोग तो यही सोचेंगे ना, मैंने आपको यूज किया, आपका फायदा उठाया। वो भी तुम जानती हो कैसा नहीं है। पर आप लोगों को कैसे समझाएंगे? मेरा पास मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और बदनामी हमेशा मेरे साथ आएगी। आई लव यू टू मयूर। मैंने इमोशंस में आकर आपको बढ़ावा दिया। वी डोंट हैव अ फ्यूचर मयूर। मुझे जाना होगा। बार भरोसा कर कर टूट चुकी हूँ, दोबारा किया ना तो इस बार बिखर जाऊंगी। जो लड़का ऐसी लड़की के साथ में बैठा हो, उसकी बहन के साथ में हम रिश्ता नहीं कर सकते। चुप रहो मयूर, तुम अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझ जैसी लड़की से हमदर्दी जताना आसान है, लेकिन प्यार करना बहुत मुश्किल। चलिए बाजोटी है मैडम, प्लीज बाजोटी है, हटो हटो चलो। जज साहब, इस लड़की ने हमारे क्लाइंट उषाताई के ऊपर एक झूठा और संगीन इल्जाम लगाया है, और इसमें इंस्पेक्टर मयूर ने इनकी काफी मदद की है। इंस्पेक्टर मयूर के दिल में इस कॉल गर्ल के प्रति इतनी हमदर्दी क्यों है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हम इस कॉल गर्ल की बातों पर यकीन करके एक शरीफ औरत की इज्जत को इस तरीके से नहीं उछाल सकते। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं अपना बयान दे चुकी हूँ, लेकिन आप लोग मेरे MMS पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। जो इस आदमी ने छुपके बनाया था, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत मेरे पास। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है यहां पर आकर कहिए। साहब, ये जो लड़कियां कटघर में खड़ी है, इस पर मुकदमा तो आज शुरू हुआ है, लेकिन फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन टीवी पर इसके नाम के नीचे कॉल गर्ल लिखा है। प्रेस, सोसाइटी, पब्लिक, इन तीनों ने मिलकर बिना इसकी कोई बात सुने, बिना इसकी कोई बात जाने, इसको दोषी करार कर दिया और इसको सजा सुना दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी मुझ पर इल्जाम लगाए हैं।
कि मुझे इनसे हमदर्दी है या मैं इनका बचाव कर रहा हूँ। आप चाहें तो मुझे सस्पेंड कर सकते हैं, पर सर आज इस केस को पूरा होने से पहले अपना जजमेंट मत दीजिएगा, क्योंकि जिस लड़की पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं आज उस लड़की ने अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा किया खुद, और उस सबूत को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। तावड़े सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ। मुझसे ये सब नहीं होगा ना, मैं नहीं कर सकती। इंटरनेट पे जब MMS लीक होता है ना तो लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाता है। नहीं, चुपचाप बैठे रहो, नेताजी अभी आएंगे, उन्हें निराश मत करना, क्योंकि अगर वो निराश हो गए ना तो मैं निराश हो जाऊंगा, और अगर गलती से मैं निराश हो गया ना तो तुम सडनली भूमि से MMS स्कैंडल बन जाओगी। बैठे रहो। इस नए सबूत के मिल जाने से ये बात तो तय है कि भूमि बेकसूर है। उषा ताई और नमित जैसे लोगों ने लड़कियों को फंसाने का कारोबार शुरू कर रखा है, और ये अदालत उषा ताई को 5 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है और नमित को 10 साल की, और इसी के साथ ये अदालत भूमि को बाइज्जत बरी करती है। लेकिन एक बात और, ये देखकर दुख होता है कि उषा ताई जैसे लोगों की वजह से किसी मासूम की बदनामी होती है और समाज भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। मैं एक्सेप्ट करूंगा। पर ऐसा करके मैं भूमि पर नहीं बल्कि खुद पर एहसान करूंगा कि मुझे भूमि जैसी लाइफ पार्टनर मिली। जज साहब, इज्जत कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे उषा ताई और नमित जैसे लोग चुरा कर कहीं ले जाए। इज्जत आदमी अपने बिहेवियर से कमाता है, और भूमि से ज्यादा इज्जतदार लड़की कोई नहीं। माँ ने भी अब समझ लिया है, और देवी के कहने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद भी भेजा है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक यू। सॉरी, तुमसे बिना पूछे ही कमेंट कर दिया। आई लव यू। हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हमारी सोसाइटी में किसी भी लड़की पर कोई इल्जाम लग जाए तो उसकी बात बिना सुने उसे फैसला सुना दिया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी बुरी है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हमारी सोसाइटी वैसी है। मेरा सवाल सबसे यह है कि यह सोसाइटी आखिर बनाई किसने? आपने और हमने। इस सोसाइटी के रूल्स कौन तय करता है? आप और हम। तो अगर हमें सोसाइटी को बदलना है तो उससे पहले खुद को बदलना होगा, खुद की सोच को बदलना होगा। क्योंकि हर लड़की भूमि जितनी लकी नहीं हो सकती कि उसे मयूर जैसा एक जीवन साथी मिले जो उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दे, उसे बेइंतहा प्यार करे। अब देखिए ना कि किस तरह से थोड़ी सी उम्मीद और थोड़ा सा प्यार कितना कुछ बदल देता है। डोंट यू थिंक? हमारा आज का एपिसोड देखकर आप ये तो समझ चुके होंगे कि अगर आशिकी है तो ये है। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। टिल देन हैव फन गाइस।
सफर कैसे हो ये बयां किसका है तुमसे किस कदर तू जो मिले मिले मंजिले काफिले हो वहां तू जो साथ हो सौ दफा रहना चाहे वहां तू जो मिले मिले मंजिले काफिले हो वहां तू जो साथ हो सौ दफा रहना चाहे वहां।